दस दिहाड़ी लगदी मुड़ वेले दस दिन पाँच दिन लगते हैं पंद्रह दिन लागे कदे महीने भी लगी दिहाड़ी कदे ना लगे वेले कारोबार में हालात किधर तो इमरान खान की हुकूमत आई खासकर उदो तो हालात सब एक दिन में नहीं इधर तो पंद्रह दिन हो गए वेले फारिग बैठे हैं हज़ार रुपये दिहाड़ी हमारा कुछ नहीं बनता बच्चे भी घर में भूखे होते हैं बहुत परेशानी इधर बैठ बैठ के चले जाते हैं कोई पता नहीं चल रहा भाई ये कोरोना आई है तो कोई काम नहीं लग रहा डेढ़ महीना हो गया इधर बैठा हूँ तो फारिग 700-800 रुपये उसमें 300-400 रुपये खर्चा हो जाता है कभी दिहाड़ी लगती कभी लगती नहीं है और चार पांच बच्चे हैं कमाने वाला अकेला हूँ तो आमदन तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ चैनल से मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम अजमल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं मिस्त्री और दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ और पूछते हैं कि उनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह से अपनी रोज़गार का दरिया बनते हैं। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और करते हैं इस पर उनसे अहम गुफ्तगू। ये बताएँ कि आपको यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं? चार महीने हो गए। आप लाहौर से हैं? पाक पतन शरीफ। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको आए चार महीने हो गए, तो इन चार महीनों में आपने कितना रोजी रोटी कमाई अपने अहले खाना के लिए? महीने में दस दिहाड़ी लगदी मुड़ वेले दस दिन पाँच दिन लगते हैं पंद्रह दिन लागे कदे महीने भी लगी दिहाड़ी कदे ना लगे वेले कारोबार में हालात किधर तो इमरान खान की हुकूमत आई खासकर उदो तो हालात सब तो ज़्यादा ही मंदे। तो जो आपकी दिहाड़ी लगी उसमें आपने कितना कमा लिया था? आपके लिए दिहाड़ी 800 रुपया दे देने 800 तो बाद नहीं देंगे। तो 800 में कैसे अपना गुजर बसर करते हैं आप? 800 ना गुजारा ही होता है, रात तो रोटी भी नहीं खा सकते। एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती होगी? हाँ जी, एक टाइम की रोटी 1000 रुपये होवे तो शाम को खर्चा मस्से घर का पूरा होता है तो मकान का किराया बड़ी मुश्किल से देते हैं। अपने अहले खाना के साथ आप यहाँ रहते हैं कि अहले खाना पाक पतन में है? बच्चे भी नाल लेंदे 10,000 रुपया किराया दे दे मकान में। तो कैसे पूरा करते हैं, इतनी मुश्किलात हैं, मतलब आप कुछ छोड़ कोई जरिया ढूंढे? वो तो पिंड में भी काम कोई नहीं, रोजी बड़ी औखी हालात मंदे, ये तो मेहनत मजदूरी कर दे तादा बच्चे पाली दे। आगे और कठिन वक्त आ रहे हैं, कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, उन हालात में आप क्या करेंगे, कुछ सोचा आपने? लॉकडाउन की वजह से कारोबार ही बंद हो गए अगू सब तो ज़्यादा ही महंगाई आ रही, महंगाई से वजह ना कारोबार ही ख़त्म हो गए। वालेकुम सलाम भाई, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर जो दिहाड़ी और मजदूरी के लिए बैठे हैं तो आपको एक दिन में कितनी दिहाड़ी और मजदूरी मिलती है? भाजी एक दिन में नहीं इधर तो पंद्रह दिन हो गए वेले फारिग बैठे हैं 1000 रुपये दिहाड़ी हमारा कुछ नहीं बनता बच्चे भी घर में भूखे होते हैं बहुत परेशानी इधर बैठ बैठ के चले जाते हैं कोई पता नहीं चल रहा भाई ये कोरोना आई है तो कोई काम नहीं लग रहा डेढ़ महीना हो गया इधर बैठा हूँ। तो फारिग हो? फारिग ही होंगे, कोई काम नहीं लग रहा इधर मेरे घर में, देखने बच्चे भी हैं बहन भाई भी हैं नहीं काम लग रहा बहुत परेशान है। इधर चबुरजी में आते हैं कहते दिहाड़ी के लिए अड्डे पे बैठ बैठ के चले जाते हैं। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हवाले से? बस भाजी क्या करें, मुश्किलात तो बहुत हैं, ये कोरोना आई है तो बहुत परेशान हो गए, हमारे घर में तो रोटी भी नहीं पक रही बहुत परेशान, इतने भी जिसकी अंदाज भी नहीं है तो बस क्या करें, फिर भी चुप करके गरीब आदमी है ना कुछ नहीं बोल सकते चले जाते हैं। फिर ना गुजर बसर कैसे करते हैं आप, मतलब जब आप कुछ कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है तो कैसे मतलब क्या करते हैं उस उन हालात में? बस कोई एक दिहाड़ी लग जाती है महीने में, कोई पंद्रह दिन में बस, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, और कोई काम कर सकते हैं ना कुछ ना कान, ये दिहाड़ी कर सकते हैं ये भी हमारी नहीं लग रही, कोई हफ्ते में एक लग जाए पंद्रह दिनों में एक लग जाए उसका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बताएं कि आपको यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गई और आपको मतलब कोई दिहाड़ी मिली है सुबह से? तकरीबन 8 दिन हो गए। 8 दिन से? 8 दिन से, 2 दिन लगे हैं, वो भी 400 मिला है 500 मिला 2 दिन में, तो फारिग बैठे हैं कोई काम नहीं है। तो इस सिचुएशन में इन हालात में आप अपना गुजर बसर रोटी खाना पीना कैसे करते हो, अपना घर कैसे मतलब चलाते हो? इधर से लंगर मिलता है तो वो खा लेते हैं, तो फारिग बैठे हैं कोई काम नहीं है। लंगर कहाँ से मिलता है? इधर साथ है। लंगर का क्या फ़ायदा है, घर में जो बच्चे भूखे होंगे इधर हम तो पेट भर के चले जाएंगे तो वो घर में बच्चों को कौन खिलाएगा, उधर तो हम नहीं लंगर लेके जा सकते ना, 8 दिन में 400 लग जाए 500 लग जाए तो उसका बाजी क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, बस इस वजह से चुप करके बैठ जाते हैं। ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं रोज़ाना का, हम लोग
800 रुपए लेते हैं, 900 रुपए लेते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनको पैसा पता नहीं किधर से आता है। हम गरीबों को मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए आए हैं जी, तो आपको यहाँ पे आए कितनी देर हो गई? मुझे एक माह हो गया। तो एक माह से आपको कोई मजदूरी मिली है या कोई दिहाड़ी का जरिया, रोजगारी का कोई जरिया बना है आपका? बस इतना ही मिला है कि जो एक महीना रहा हूँ इधर खा लिया वही, बस और कुछ नहीं है। आप लाहौर से हैं? नहीं जी, मैं विहाड़ी से हूँ। तो विहाड़ी से आप यहाँ पर आए हैं, अभी तक आपको एक महीना हो गया, आपको कोई रोजगार का जरिया मुस्तकिल नहीं मिला? जी नहीं, बस आज यही सोच रहा था कि किराया बन जाएगा और मैं घर वापस चला जाऊँगा। आप घर वापस जा रहे हैं? जी। तो वहाँ पर विहाड़ी जाके आप क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, काम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं, जो लोग दिहाड़ी के लिए लेके जाते हैं, उनमें आप लोग कितना कमा लेते हो? यही देते हैं 700-800 रुपए, उसमें 300-400 रुपए खर्चा हो जाता है, कभी दिहाड़ी लगती कभी लगती नहीं है। और 4-5 बच्चे हैं, कमाने वाला अकेला हूँ, तो आमदन तो नहीं है। तो अब आपने आगे क्या सोचा है कि आप किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे? आगे तो हालात और कठिन आ रहे हैं। अभी ये तो इमरान खान को पता है ना कि वो किस तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। गरीब की सोच नहीं है उनको, अपने पेट की सोच है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए नहीं। ये सब दिखावा है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे जो भी, चाहे जरदारी है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने मिस्त्री और दिहाड़ीदार मजदूर तबके से बात की। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुलसुम अजमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।